देश में अब तक 604,000 लोग कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं। इनमें से 17,834 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 3,59,000 लोग ठीक भी हुए हैं। दुनिया भर में कोरोना वायरस से अब तक 1,08,02,850 लोग संक्रमित हो चुके हैं। इनमें 59,38,950 ठीक हो चुके हैं, वहीं 5,78,920 की मौत हो चुकी है। कोरोना संक्रमितों की संख्या के हिसाब से भारत दुनिया का चौथा सबसे प्रभावित देश है। अमेरिका, ब्राजील, रूस के बाद कोरोना महामारी से सबसे ज्यादा प्रभावित देशों में भारत चौथे स्थान पर है, लेकिन भारत में मामले बढ़ने की रफ्तार दुनिया में तीसरे नंबर पर बनी हुई है। अमेरिका में 24 घंटे में संक्रमण के 48,000 से ज्यादा नए मामले मिले हैं। देश में मरने वालों की संख्या 1,28,000 तक पहुंच गई है, जबकि संक्रमितों की संख्या 26,00,000 हो चुकी है। जीवीके ग्रुप ऑफ कंपनीज के चेयरमैन जी वेंकट कृष्णा रेड्डी और उनके बेटे जीवी संजय रेड्डी के खिलाफ सीबीआई ने एफआईआर दर्ज की है। मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट के डेवलपमेंट में 705 करोड़ रुपए के हेराफेरी के आरोप में यह कार्रवाई की गई। मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान के मंत्रिमंडल का दूसरा विस्तार आज हो गया। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने राजभवन में मंत्रियों को शपथ दिलाई। कुल 28 मंत्रियों ने शपथ ली, जिसमें 20 कैबिनेट मंत्री और 8 राज्य मंत्री शामिल है। मंत्रियों में ज्योतिरादित्य सिंधिया खेमे से 9 और कांग्रेस से भाजपा में शामिल हुए 3 विधायकों को मंत्री बनाया गया। नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली की कुर्सी पर खतरा बढ़ता जा रहा है। उन्होंने अपनी ही पार्टी में विरोधियों को शांत करने की कोशिश की, लेकिन बात नहीं बनी। 5 में 3 नेताओं ने ओली से इस्तीफा देने को कहा। इस बीच वो बीमार हो गए। देर रात उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी को केंद्र ने नोटिस भेजकर दिल्ली स्थित बंगला खाली करने को कहा है। केंद्र सरकार का कहना है SPG सिक्योरिटी मिलने की वजह से उनको यह बंगला अलॉट किया गया था, लेकिन अब SPG की सुरक्षा वापस ले ली गई है, लिहाजा उनको यह बंगला खाली करना होगा। भारत और चीन के कमांडरों के बीच बैठक में तय हुआ है कि तनाव कम करने के लिए दोनों देश अपनी सेनाएं बैच में हटाएंगे। चीनी मीडिया ग्लोबल टाइम्स ने बताया, दोनों देशों के लेफ्टिनेंट जनरल ने करीब 12 घंटे चली बैठक में यह फैसला लिया था। सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद से ही फिल्म इंडस्ट्री में लगातार नेपोटिज्म को लेकर चर्चा की जा रही है। इसे लेकर सैफ अली खान ने कहा, मैं भी नेपोटिज्म का शिकार रहा हूं, लेकिन इसके बारे में कोई बात नहीं करता। सुशांत को लेकर कहा, वो बहुत ही टैलेंटेड गुड लुकिंग एक्टर थे, मुझे लगता था उनका फ्यूचर बहुत ब्राइट होगा। भारतीय रेलवे ने इतिहास रच दिया। रेलवे ने पहली बार 2 किलोमीटर लंबी और 177 डिब्बों वाली एक मालगाड़ी चलाई है। यह मालगाड़ी साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे के अंतर्गत उड़ीसा में चली। मालगाड़ी में 15,000 टन सामान लदा हुआ था। भारतीय रेलवे ने बुधवार को बड़ा फैसला किया है। रेलवे ने पैसेंजर ट्रेन सर्विस ऑपरेट करने के लिए प्राइवेट पार्टी के लिए दरवाजे खोल दिए हैं। देश में 109 डेस्टिनेशन रूट पर प्राइवेट कंपनियां ट्रेनें ऑपरेट कर पाएगी। इनमें 30,000 करोड़ रुपए के निवेश की संभावना है।